गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल. आज है फ्राइडे. मुझे भी बोलना था. बोलो ना गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग कह रही है मुझे भी बोलना था. मैंने कहा बोलो सीधा. वैसे एक बात बताऊँ, श्वेता ने बहुत बाल छोटे करवा लिए. इसके कमर तक बाल आते थे. अभी मतलब दो दिन पहले ये छोटे करवा के आई है, तो मेरी नकल कर दिए. हम दोनों के हेयर फॉल शुरू हो गया. इसका भी हेयर फॉल हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, तो मैंने कटवाया तो इसने भी कटवा लिया. वैसे तुम्हारे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाल. थैंक यू. तो अभी कितना हो गया है, वैसे तो 11 बज गया है और बहुत ही धीमी धीमी सी हमारी सुबह चल रही है. बिकॉज सुबह से बैठ के हम लोग बातचीत ये वो सब कर रहे थे. हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं. सिद्धार्थ अभी मतलब हो गया, उसको भी 40-45 मिनट उठे हुए. और अब हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता. मेरा हो चुका है, ये दोनों अपने लिए बनाने जा रहे हैं. तो मैंने थोड़े से फ्रूट्स और एक पराठा भी सब्जी मैंने खा लिया है, जो मेरा नाश्ता होता है. और यहाँ बन रही है पूड़ी और इसमें बनेगा हलवा. तो ये सूजी निकाल करके रखी है, तो हलवा पूरी ये लोग खाएंगे आज नाश्ते में. पूरी बनेगी अजवाइन वाली. इतने में हो जाएगा दोनों का ना? जाएगा. हलवा भी तो है. नमक डालो. नमक डालो. मैं बताती हूँ क्या क्या डालती रहो. अजवाइन, थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डालोगी ना तो अच्छा लगेगा. चाट मसाला अंदर रखा है. बेटा वेट फॉर अ सेकेंड. थोड़ा सा घी डाल लो इसमें या फिर ऑयल डाल लो. ऑयल थोड़ा सा डालो. ठीक है ठीक है. क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाल सुखा रहे और मूंगफली खिला रहे हैं. और ये देखो मूंगफली मेरी वो दे. मुझे भी दे दो कोई एक दो मूंगफली. नहीं मौसी. क्यों? तुम अकेले के लिए खाओगे? एक दे दो. आज इतनी धूप है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है. बैठा नहीं जा रहा है धूप में. बहुत कड़क, बहुत अच्छी धूप है. अभी हम लोग छत से आए हैं और अभी ये लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए. श्वेता आज जाने वाली है तो लंच वगैरह करने के बाद ही निकल जाएगी. लंच मैंने बनाया आज खिचड़ी. अच्छा मासी ने बनाया? मासी ने नहीं बनाया, मैंने चढ़ाया. मासी ने धोया है दाल चावल को. धोया है, धोने से स्वाद आता है. तो भाई मासी ने बनाई खिचड़ी, मैंने नहीं बनाई है. Thank you.
मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ सिद्धार्थ के साथ। डरना लगता है। कौन सी वीडियो बनाने जा रहे हो? पिकाचू वाली। पिकाचू पिका पिका पिकाचू। बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए मजेदार वीडियो। डर लग रहा है, जल्दी बना दो। पिकाचू तो बना चुके हो तुम, दूसरा बार बनाएंगे ना? नहीं, पिकाचू बन चुकी है, वो अच्छी है। दूसरा कुछ बना लो। नहीं, उसको ढूंढना पड़ता है अम्मा। पहले सच में नहीं हंसती थी इतना। कहाँ? मतलब कहीं पे भी। तो श्वेता जा रही है। ये मेरा सामान। ये नहीं, ये वाला। तो अभी ये जा रही है, हम लोग चाय पी रहे हैं साथ में। ये सुबह पूड़ी बनाई थी इन लोगों ने, खाई थी जो हलवा पूड़ी, मूंगफली और चाय। विदाउट शुगर है वैसे। हाँ, मैंने पिछले आठ नौ दिन से शुगर बिल्कुल भी नहीं लिया है, मतलब चाय में तो बिल्कुल नहीं लिया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिना शुगर की चाय कभी पी पाऊँगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम पिया था मुझे बहुत कड़वी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई है। तो 8 दिन लगभग हो चुके हैं बिना शुगर के मुझे। और बहुत ज़्यादा जब मतलब क्रेविंग होती है ना बहुत कुछ खाने की, तो मैं एकदम इतना सा मतलब ऐसे जरा सा तोड़ के चॉकलेट का पीस रख लिया मुँह में, या फिर वो जो गुड़पट्टी आती है ना उसकी एक जरा सा दाना, एकदम छोटा सा दाल के बराबर दाना मैं जबान पे रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल सके। लेकिन वेट अभी कम नहीं हुआ है, मेरा वेट अभी उतना ही है, वो पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, 8 दिन हो गए मुझे शुगर क्विट किए हुए। कैसा लग रहा है तुम्हें सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी क्विट करूँगी शुगर, क्योंकि मैं कड़वी चीज़ें खा सकती हूँ। दीदी थोड़ी दवाई खाने में भी नाक मुंह बनाती है, मैं खा सकती हूँ। पर हाँ, दीदी काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी पतली हुई है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये इसको लग रहा है देख के, मेरा जो मतलब वेट मशीन है उसको कुछ भी नहीं लग रहा है, वो अड़ी हुई है वहीं की वहीं। ऐसा क्यों होता है यार? हमें अपनी बॉडी से पता चलता है, अपने मतलब कपड़ों से समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वेट मशीन पे कम क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, या तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन भारी थोड़ी ना होते हैं। या तो मतलब बहुत ज्यादा कपड़े उपड़े पहन के रखे हुए हमने इस टाइम विंटर्स में। पर मॉर्निंग आवर्स में बिना जैकेट वगैरह के भी मैंने चेक किया है, फिर भी मतलब कुछ खास वेट में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे मुझे अपनी बॉडी से देखने में लग रहा है। तुम्हें भी लगा ना? इसने मतलब आने के बाद बोला कि मतलब साइड बेली फैट और बेली फैट काफी कम हुआ है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों आपके साथ भी होता है, बताना प्लीज मुझे कैसा होता है और क्यों होता है। क्यों होता है किसी को अगर पता हो तो। तो चलिए पी लेते हैं चाय, और चाय के साथ खाएंगे मूंगफली पूरी। ये खाएगी, मैंने थोड़ा सा टुकड़ा खाया है, एक टुकड़ा और लूंगी बस जरा सा। चलो बाय श्वेता। बाय। अब कब आओगी? बहुत जल्द, जनवरी में आना ही है। सिद्धार्थ के बर्थडे पे? हाँ। प्लीज बिजनेस पे ध्यान मत दें, ये अभी डरावने लग रहे हैं पर कुछ टाइम बाद हट जाएंगे। आप लोगों की मैंने कई कमेंट पढ़े जिसमें आप लोग कहते हैं मैं हंसती नहीं, वो दांतों की वजह से थोड़े कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, पर अब मैं थोड़ी सद्बुद्धिवान हो गई हूँ। अब रिसल्स लगते तो भी हंसती हूँ। चलो जी, बाय कर लो सबसे। हाँ, बाय, फिर आना जल्दी। बिल्कुल।
तो यहाँ पे मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में एक सिंपल भुजिया रेसिपी जो कि आलू और चने के साग से बनने वाली है। तो जैसा कि आज कल का जो मौसम चल रहा है उसमें तरह तरह के साग मिल रहे हैं और उनमें से एक है चने का साग, जिसकी कई सारी रेसिपीज़ हमारे घर में बनती हैं। फ़िलहाल ये मैं फ़र्स्ट रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ चने के साग की। तो ये चने का साग सुधार करके अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिया था, तो इसीलिए इसकी शेप थोड़ी सी ऐसी हो गई है क्योंकि ये वॉश है। छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, तो वो थोड़ी सी वॉश करते टाइम टूट जाती हैं, तो इसलिए वो ऐसी दिख रही हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ये भुजिया है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही सिंपल। जैसे हम और आलू पालक बनाते हैं, आलू मेथी बनाते हैं, वैसे ही है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अलग आता है और बहुत अच्छा सा आता है। तो यहाँ पे मैंने छौंक लगाया है लहसुन और हरी मिर्च से। जीरा वगैरह किसी चीज़ का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर नहीं किया है। और उसके बाद आलू डाल दिए हैं, जैसे ही लहसुन डाला वैसे ही आलू डालने हैं ताकि लहसुन और आलू एक साथ पक जाएं। जब तक लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन होगा, यहाँ पे थोड़े से हमारे आलू भी हल्के गुलाबी से हो जाएंगे। सिर्फ इसमें आपको हल्दी डालना है मसाले के तौर पे, और इसमें कुछ भी मसाला वगैरह नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा आलू भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें ये जो साग है चने का साग ये डाल देंगे। और इस चने के साग में हल्का सा एक खट्टापन होता है और एक अलग सा स्वाद होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। चने के साग से मैं दाल भी बनाती हूँ, मम्मी मेरी दाल बनाती हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बनाती हैं, पर उनकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। जो दाल के साथ में चने के साग मिला के बनाया जाता है बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो वो शेयर करूँगी मैं किसी दिन। तो बस फिलहाल इसमें साग डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, हल्का सा चला के इसको ढक देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, और बस जब तक आलू नहीं पक जाते तब तक हमें इसे पकाना है और ये भुजिया बनके तैयार हो जाती है। अगर आप चने का साग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस सीजन में तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगी। तो अभी हो गया है शाम का 8:30 हो गया है और मेरा खाना बन चुका है। मतलब मैंने जो आलू और चने की साग की सब्ज़ी दिखाई, सब्ज़ी भुजिया आप कुछ भी बोल लीजिए, वो मैंने बना लिया अपने लिए। इन लोग के लिए खाना नहीं बनेगा क्योंकि जैसे ही विंटर्स आते हैं ना तो मेरे घर में नॉनवेज का सिलसिला थोड़ा बढ़ जाता है। तो आज ये लोग खाने वाले हैं बिरयानी, तो बिरयानी आएगा, बिरयानी खाएंगे। मतलब आज बाहर से लेके आ रहे हैं बिरयानी, घर पर नहीं बना रहे, बाहर की बिरयानी खाने का मन है। और मैं खाने जा रही हूँ खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। हस्बैंड भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं रोटी नहीं बना रही हूँ बिकॉज रोटी रखी हुई है सुबह की और उसको थोड़ा सा ना मैं तवे पे ही सेक लूँगी बस। आज जो मेरा व्लॉग है वो बहुत लेट गया, मतलब अभी 8:30 हो रहा है, जस्ट अभी मैं अपना व्लॉग जो है पोस्ट करके आई हूँ। क्योंकि श्वेता थी ना पूरा दिन, तो मैं उसके साथ बातचीत कर रही थी। ऐसे बातचीत तो फ़ोन पर भी हो जाती है, पर एक बोलते हैं ना फेस टू फेस बात करना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में, मेरे बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। फ़ोन पे भी ना बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम उतना बात कहाँ कर पाते हैं, थोड़ा बहुत बस हाय हेलो हालचाल कैसा है यही सब हो पाता है। तो वही सारी बातें हम लोग कर रहे थे, तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया एडिटिंग पे या कुछ भी। जब वो चली गई है शाम को, उसके बाद तो वीडियो मैंने थोड़ी सी कल रात को ही एडिट कर दी थी, थोड़ी बहुत जो एडिटिंग बची थी उसको किया और देन मैंने अभी पोस्ट किया। क्या गिराया बेटा? वीडियो पोस्ट की है मैंने और अभी मैं अपने लिए रोटी सेकने जा रही हूँ। मतलब सिक्की सिकाई रखी है, उसको थोड़ा सा गर्म करूँगी घी में और फिर डिनर करूँगी। बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि दोपहर में भी खिचड़ी खाई थी ना, तो बहुत भूख लगी हुई है। क्या हुआ? कहाँ है कॉकरोच? कहाँ है वो? आपके बेड के पास। ओह माय गॉड, ये कॉकरोच कहाँ से आ गया? पकड़ो इसको। नहीं ना, ना। डरते हो? क्या खेल रहे हो तुम? कार से। कार से खेलो।
तो ये था बस मेरा डिनर, चने की साकी वाली भुजिया। आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बस आज का मेरा दिन कुछ ऐसा ही रहा। ज़्यादातर जो दिन है मैंने और सिस्टर ने एक साथ मिलकर के बातचीत में ही गुजार दिया। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की रेसिपी छोटी सी थी लेकिन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।